नमस्कार दोस्तों मैं में सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का शनिदेव सत्रह जून को वक्री हो रहे हैं वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह होता है शनिदेव जो वक्री हो जाएगा यानी और धीमी गति से चलेगा शनि का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर सभी राशियों पर पड़ता है शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से तीसरे सातवें और दसवें भाव पर दृष्टि डालते हैं ये कुंडली आपके सामने है इसमें देखिए शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से हमने एरो से दिखाया हुआ है कि तीसरे भाव पर दृष्टि सातवें भाव पर दृष्टि दसवें भाव पर दृष्टि शनिदेव जहां बैठे होते हैं वहां पर शुभ परिणाम देते हैं और जहां देखते हैं वहां पर अशुभ परिणाम देते हैं तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो बहुत ही खतरनाक होती है सातवीं दृष्टि सम होती है दसवीं दृष्टि थोड़ी सी और फलदायक होती है या कहें कम खतरनाक होती है कर्मों के अनुसार शनिदेव फल देते हैं जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेंगे शनिदेव जो है न्याय के ग्रह हैं वो न्याय करते हैं आपके साथ वो अन्याय का साथ नहीं देते हैं 17 जून 2023 की रात्रि शनिदेव लगभग दस बज के पचास मिनट पर वक्री हो जाएंगे अपनी स्वयं की राशि मकर में चार नवंबर दो हजार तेईस लगभग एक सौ उनतालीस चालीस दिन यहां पर वक्री रहेंगे और चार नवंबर दो हजार तेईस प्रातः आठ बज के छब्बीस मिनट पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे एक सौ उनतालीस दिन आपके लिए आपकी राशि के लिए कैसे बीतेंगे इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं यह जानकारी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है और वीडियो में उपाय भी बताऊंगा उन उपायों को भी जरूर करिएगा ताकि आप किसी भी खराब परिस्थिति में फंसे नहीं शनि के शुभ प्रभाव ही आपको मिले तो आइए शुभारंभ करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइकन के बटन को दबाएं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें तो अब बात करते हैं आपकी राशि की अब बात करते हैं कुंभ राशि की तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो शनि जो है लग्न में बैठे हुए हैं यानी प्रथम भाव में बैठे हुए हैं पहला घर सूर्य और मंगल का माना जाता है तो शनि आपको सीमाओं में बांध देगा यहां पर यानी कि आप काम तो कर पाएंगे लेकिन आपके हाथ पर बंधे हों शनिदेव जो है परेशानियों और अनुशासन का ग्रह है शनि कंट्रोल करता है चीजों को अनुशासन है उसके अंदर यहां पर शनि कठोरता का संकेत देगा शनिदेव आपको कठोर और गैर लचीला प्रवृत्ति का बनाएंगे यानी आप लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाएंगे अपनी बात करेंगे अपने मन की बात करेंगे आपकी शिक्षा प्रभावित होगी वैवाहिक जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी जीवन साथी का विरोध झेलना पड़ सकता है वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है इस समय में वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकती है परिवार में या, लोगों से मन मुटाव यारी दोस्ती जो है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है परिवार में वक्त कम दें बाहर घूमना फिरना ज्यादा करें यारी दोस्ती पर ज्यादा वक्त बिताएं ऐसा भी संभव है अगर सावधानी रखी जाए तो श्रीदेव धन की कमी यहां पर नहीं करेंगे लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी तो धन की कमी होगी जब भी खुशी की बात हो तो अधिक शोर शराबा डोल भाजे न बजाय चुपचाप अपने काम करें आप किसी की सुनेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत होगी भाइयों से धन प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है भाइयों से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है शत्रु हावी हो सकते हैं लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि लग्न में जो वक्री होंगे तो आप समझ ली मानसिक रूप से आपको तनाव यहाँ पर मिलने वाला है मानसिक रूप से आप काफी परेशान हो सकते हैं तनाव में हो सकते हैं समस्याएं जो हैं उनको समझने में वक्त लगेगा आप समस्याओं में उलझे रहेंगे पता ही नहीं चलेगा कब क्या कैसे हो रहा है एकदम से निर्णय नहीं ले पाएंगे बहुत सोच विचार करेंगे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके हाथ से निकल सकते हैं परिवार के छोटों बड़ों का समर्थन भी आपको मिलेगा लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे यानी मौके आएंगे आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे आप ऐसा कह सकते हैं इससे आपके मन में प्रेम और विश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है कई मामलों में आपके भाई बहन आपका साथ भी देंगे वहां पर रिश्ते अच्छे भी रहेंगे यानी किसी काम में अगर भाई बहन का परिवार का सपोर्ट मिल गया तो अच्छा किसी काम में नहीं मिला तो बुरा दोस्तों यारों की मदद की आप उम्मीद रखते हैं तो वो नहीं मिलेगी हाँ कई बहुत पुराने अच्छे दोस्त ही आपका साथ देंगे अगर पचास तो एक दो साथ देंगे बाकी के बाद निकलेंगे व्यापार में धीमे, धीमे उन्नति होगी।, होगी लेकिन धीमे धीमे विदेशी संपर्क आपको आगे बढ़ाएगा विदेश से संपर्क हो सकता है करियर के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या समय की मांग है कि आपको उठना पड़ेगा अब काम करना पड़ेगा आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व तो दें किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें आप किसी चक्कर में ना पड़ें किसी जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो गई कोई तकलीफ हो गई तो किसी ने कहा कि घरेलू इलाज कर लो चलो एक आध दिन इलाज किया और पता चला नहीं सही हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाए दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा जीवन साथी से आप ईमानदारी से रहेंगे अपने चरित्र को मजबूत रखेंगे तो एक दिन दिक्कत नहीं आएगी आप जीवन साथी के प्रति अपने प्रेम को दिखाकर समस्याओं से बच सकते हैं डली वाला सुरमा होता है सुरमा डली वाला ये टुकड़े वाला सुरमा उसको आप मिट्टी में दबा दें पचास ग्राम तो शनि कंट्रोल में रहेंगे आपको लाभ मिलेगा या फिर काला नमक भी ले सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा पढ़े कुछ और बातें बताऊंगा उपाय के तौर पे उसको भी सुन लीजिएगा पूरा आपने समझ लिया शनि कैसे वक्री हो रहे क्या मिलने वाला है क्या जाने वाला है अब दो तीन उपाय और बता देता हूं ताकि कोई कष्ट ना हो पहला उपाय यह है हनुमान जी की उपासना करिए हनुमान चालीसा पढ़िए दूसरा उपाय भगवान शंकर की उपासना करिए तीसरा भगवान कृष्ण की उपासना करिए कृष्ण भगवान की उपासना करने से भी शनि शांत तो होते हैं हनुमान जी से डरते हैं शिव जी से भी डरते हैं क्योंकि शिव जी महाकाल हैं शनि काल हैं है। ये आप करते रहिए आपको शनि की वक्री होने से कोई मतलब नहीं है वो कोई अशुभ प्रभाव नहीं देंगे यदि आप भक्ति में जुड़ जाते हैं तो तीसरी चीज यह है कि अपना कर्म सुधारिए किसी किसी से कोई कोई के साथ बदतमीजी नहीं करिए किसी से कोई पैसे की हेर -फेर मत करिए इस बात का ध्यान रखिए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए इससे शनिदेव के काल का कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा जो शुभ होगा वो हो जाएगा जो अशुभ है वो टल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को दबाएं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और कोई अपनी राय हो तो वो भी हमें दें ताकि हम अपने आप को और अच्छा कर सकें अपनी गलतियों को सुधार कर खुश रहिए पसंद रहिए मुस्कुराते रहिए हरिओम नमस्कार शनि बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं ऐसा सच भी है ऐसा सच नहीं भी है तो एक उपाय ऐसा बताने जा रहा हूं शनि को सही करने के लिए जिसको करने के बाद सौ साल तक शनि आपको परेशान नहीं करेंगे सत्रह जून से शनि वक्री भी हो रहे हैं कुछ राशि वालों को नुकसान भी देंगे कुछ को फायदा भी करेंगे आपको किसी भी प्रकार की शनि की समस्या हो चाहे वो पीड़ित हो वक्री हो कोई अशुभ दोष बना के बैठे हो नीच राशि में हो आपकी जन्म कुंडली में तो इस उपाय को कर लीजिएगा महिला पुरुष कोई भी कर सकता है देश विदेश कहीं भी कर सकते हैं तो शनि को अच्छा करने का उपाय सबसे सटीक उपाय जो सौ साल तक शनि आपके आसपास नहीं फटकेंगे और आएंगे तो अच्छा रिजल्ट ही देंगे एक बार शनि खराब हो गया तो उसको सही करना ही पड़ेगा तो अब मैं जो चीजें बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए थोड़े से काले तिल थोड़ा सा लोग्रह थोड़ा सा सूरमा काला सूरमा थोड़ा, थोड़ा सा सौफ थोड़ा सा नगर मोथा नागर मोथा और छोटा थोड़ा सा लोहबान ये छः चीज़ें हो गई काले तिल लोघर सूरमा सौफ नागर मेथा और लोहान इन सबको एक सिंपल क्वांटिटी में ले लीजिए जितना भी आपको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा लेना है इसका चूरन बना लीजिए मिलाकर और पानी में घोल लीजिए और इसी के पानी से नहाइए हर शनिवार शनिवार तो यकीन मानिए शनि संबंधी सभी परेशानियों का खत्म हो जाएगा और कोई भी राशि वाला व्यक्ति इस उपाय को करके शनि को शुभ बना सकता है तो बहुत ही बढ़िया है शनिवार के शनिवार भी आप इस प्रयोग का जरूर करें और ये सब चीजें आयुर्वेदिक चीजें हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता है हरिओम हो, नमस्कार